हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चीज़ी मैगी की रेसिपी लाया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यू हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे कर दो। मैं 2 टेबल स्पून ऑफ बटर लिया है। आप जैसे चीज़ी गार्लिक बनाना हो आपको, तो गार्लिक फ्लेवर डाल सकते हो, तो चीज़ी गार्लिक मैगी हो जाएगी। तो मैं हमने हाफ मीडियम अनियन चॉप कर लिया है। फाइनली इसे स्लाइटली ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा 4 से 5 मिनट्स इन्हें सोटे कर लो मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम 1.5 कप वाटर यूज़ करेंगे। और जब भी मैगी बनाओ तो ध्यान देना ओवर कुक ना हो मैगी, इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग में कम ही वाटर यूज़ करो, बेस्ट है। हमने एक मैगी पैकेट जो आती है वो यूज़ किया है। बॉयल होने लगा है वाटर, देखिए बबल्स आने लगे। इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे वाटर को। अब इसमें हमारा जो केक है, मैगी केक जिसे कहते हैं मैगी, उसे ऐड करेंगे इसमें। और हमने कॉर्न बॉयल कर लिया है, स्वीट कॉर्न आता है वो यूज़ करेंगे। बॉयल स्वीट कॉर्न डाल दिया, अब इसे हम कवर कर लेंगे फॉर 2 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम वाटर डाल लेंगे 3 से 4 स्पून वाटर, ताकि जो हम ग्रेटेड चीज़ डालें वो मैनेज कर ले। इसमें ग्रेटेड चीज़ यूज़ किया हमने, प्रोसेस्ड चीज़ जो आती है, स्लाइस चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो, और एक चीज़ ब्लेंड आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने ओरिगेनो 1/2 टेबल स्पून ऑफ ओरिगेनो यूज़ किया है, चिली फ्लेक यूज़ किया है। ये आपको एक अलग ही टेस्ट देगा, एक फ्लेवर आ जाएगा मैगी में आपके। इसे हम लो फ्लेम पे कवर 1 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, ताकि जो हमने चीज़ डाला अच्छे से मेल्ट हो जाए। ऑफ कर देंगे फ्लेम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में थोड़ा आप बटर ऐड कर लेना, उसे अच्छे से मिक्स कर लेना, चॉइस आपके ऊपर है। अगर बटर ज़्यादा खाते हो तो सम बटर, और ये रेडी है सर्व करने के लिए। सर्व करो, घर पे बताओ, कमेंट करो, लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो, कमेंट करो कैसे लगे। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो।